अभी इसके मिरर खोले जा रहे हैं इसके ऊपर से। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे बोला है कि भाई आपने रेडर के साथ इतनी मेहनत की है टॉप स्पीड अचीव करने में, कभी इतनी मेहनत एसपी के साथ भी करो। मुझे लगा कि मैंने अभी तक बाइक को बस बाइक की कैपेसिटी के हिसाब से भगाया है, कभी खुद के एफर्ट्स नहीं लगाए बाइक को भगाने में एसपी के साथ। तो आज वो चीज़ मैं करके देखने वाला हूँ। तो आज मैं अपने कुछ एफर्ट्स लगाने वाला हूँ एसपी के साथ, थोड़ी सी और मेहनत हम करके देखेंगे एसपी कितनी स्पीड अचीव करती है आज। मिरर हमने खोल दिए एसपी के, इनको रख देते हैं साइड में और फिर लेके चलते हैं आज। इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे यार। देखो एसपी को ज़्यादा हार्ड मैंने आज तक पुल इसलिए नहीं किया क्योंकि एक इसके दो रीज़न है, एक तो एसपी मेरी खुद की बाइक नहीं है, दूसरा कि एसपी में 100 की स्पीड के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है थोड़ा। तो यार रिस्क होता ही है फिर जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो, लेकिन फिर भी देखते हैं आज करते हैं कोशिश आप सभी के कमेंट के लिए। फोर्थ गियर में आ गई अपनी बाइक 89-90। फिफ्थ गियर डाल दिया बाइक में, आप देखते हैं कितनी टॉप स्पीड तक जा पाती है ये। अभी तक मैंने मैक्स इस बाइक से 112 टच किया है, आज देखते हैं क्या रहता है। अरे यार 100 की स्पीड के ऊपर यार कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम रहता है बाइक में, अभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा डर तो लग रहा है, बाकी फिर भी कोशिश करने में कमी नहीं छोड़ेंगे अपन। यहाँ पे फिर से एक बार स्लो होगी बाइक यार, पता नहीं कोई खास टॉप स्पीड तो जा नहीं पा रही है। इससे पहले तो मैंने 112 टच किया वो बेस्ट था, क्या बात है। ये थोड़ा मेरी गर्दन दर्द कर रही है नीचे झुके हुए। हाँ ये मोड कंप्लीट हो जाए अब देखते हैं, अब थोड़ा सीरियस होकर भगाता हूँ। पे गई है बाइक 116 पे, लिमिटर आ गया इसका 116 पे लिमिटर आ रहा है। देखो जब खुद के एफर्ट्स लगते हैं ना, खुद का डर को थोड़ा दूर किया जाता है तो टॉप स्पीड इस तरह से निकलती है बाइक की। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही लाइट वेट राइडर इसके ऊपर बैठे फिर ये 115-116 चली जाएगी। मेरे भी अंदर वेट है लगभग 68 kg के आसपास, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था और मैंने अभी तक इससे काफ़ी बार ट्राई किया है, लेकिन वो उस टाइम बाइक मेरे पास नहीं हुआ करती थी, थोड़ी बहुत देर के लिए अपने फ्रेंड से ले ली तो उस टाइम पे। तो मैंने मैक्स टू मैक्स इस बाइक से 112 टच किया है और कल 2-3 दिन से मेरे पास बाइक थी और अभी मैं उसको मिरर लगा के वापस दे दूँगा और ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइक मेरे पास थी तो मैंने अपनी समझ के भगाया इसको और अपनी समझ के भगाने के बाद बाइक ने काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड निकाली। आज से पहले मैंने इसको फ्रेंड की बाइक या फिर दूसरे की बाइक समझ के भगाया था, तो इसका भी देखो कितना फ़र्क पड़ता है अपने दिमाग के ऊपर ना, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से यार, और दिमाग उसी तरह से काम करता है यार। यही भी चीज़ें थी जो कि इस वीडियो में आपको बतानी थी, और बाकी आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ भी अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, और मुझे भी अच्छा लगता है जो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो यार, तो कर दो भाई क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान को अपना, मस्त और खुश रहो यार।